देश के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के लगभग एक माह पूरा होने को है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 सितंबर को शाहपुर के एक स्कूल में काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक शुक्रवार को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के आवास पर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रवण पटेल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 16 सितंबर को आयोजित होने वाले काव्यांजलि कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार किया गया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, इनकी प्रशंसा विपक्ष के सभी नेता भी करते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परसों एक महीना हो जाएगा उनका देहावसान हुए, उसके निमित्त एक कवि सम्मेलन का आयोजन होना है हर विधानसभा आयुक्त, क्योंकि अभी तक आदरणीय डॉक्टर साहब को सदर विधानसभा का करना था, हमको ग्रामीण विधानसभा का करना था आप लोगों के सहयोग से, लेकिन ऐसा परम पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ कि हमारे दो मंडल जो शहर के हैं उनका और माननीय विधायक जी के पूरे क्षेत्र का एक संयुक्त कार्यक्रम होगा रैंपस स्कूल लापती नगर में। तो साथियों, हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से, क्योंकि माननीय विधायक जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सबसे चिर परिचित हैं, तो हम चाहेंगे कि हम लोगों का बहुत से कार्यक्रम होते हैं, संयुक्त होते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आपके गोरखपुर क्लब में हुए हैं सब बहुत बढ़िया हुआ, तो इसमें समय कम है, क्योंकि आप लोग हमेशा इतने कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, सब में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, गीता नगर मंडल हमेशा, आज से नहीं बहुत पहले से, अब भाई शर्मा जी को थोड़ी पीड़ा होगी, क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो अच्छा कार्य करेगा उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, लगे कि हम लोग अच्छा काम करें, उनसे आगे निकलें, यही उद्देश्य भी होना चाहिए। तो सब विषय आप लोगों के सामने आदरणीय विधायक जी, माननीय विधायक जी ने, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने दे ही दिया है, और थोड़ा पहले आप लोग कार्यक्रम बनाए, थोड़ा लेट होता रात में, तो थोड़ा और कुछ घुमाए हैं, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक साथ बैठते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है, थोड़ा संगठन की पार्टी की भी चर्चा होती तो अच्छा लगता है। साथ हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे अगली बैठक जल्द ही, किसी तमाम आयोजन होते रहते हैं, थोड़ा उसको लेट किया जाए, तो हम लोग साथ बैठ के लिट्टी भोरी जो खाना होगा खाया जाएगा, अच्छा लगता है साथ। बहरहाल आप लोगों के लिए आज तो अल्पाहार ही की व्यवस्था है, जो हम लोग सेक्टर स्तर पर 50-50 का लक्ष्य बनाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं आप लोगों को दी जा रही, एक सेक्टर पर 50 लोग हैं, तो आराम से अपने इष्ट मित्रों पार्टी के जो भी संगठन के लोग हैं उनको आप कहेंगे तो लोग आ जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप लोग आए, थोड़ा हमारे पार्षद जी लेट से आए हैं, संजय जी समय का ध्यान दिया जाए, हम लोग समय से पहुंचते हैं, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज की बैठक आकस्मिक बैठक हम लोगों की हुई है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक महीना होने जा रहा है उनका स्वर्गवास हुए, परसों 16 तारीख को रैंपस स्कूल में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं, उसी के तैयारी के लिए हम लोग महानगर की बैठक इससे पहले हो चुकी थी, मेरे दो मंडलों की बैठक आज बुलाई गई थी, उसमें सारे नगर के माननीय विधायक जी भी, महानगर अध्यक्ष जी सब लोग आए, और उस बैठक के तैयारी के लिए हम लोगों ने आज इस पर विचार विमर्श किया कि उस बैठक में हम लोग सब लोग शामिल हों, और यही कवि सम्मेलन होना है। अब चूंकि हर विधानसभा स्तर पर इसका आयोजन होना है, पूरे देश में इसको किया जा रहा है, तो
आज यहाँ हमारा शहर का जो पोर्शन है एक साथ हम लोग नगर विधायक जी का क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के लोगों का शहर में कार्यक्रम है, और इसी तरह से हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो दो मंडल है उसका कार्यक्रम होगा। उसमें वही है, कभी जो हमारे लोकल स्तर पे हैं इन लोगों को वहाँ पर अटल जी की जो कविताएं हैं जी जी जितने भी उनको ये लोग कहेंगे, और इससे हम लोगों को चूंकि उनसे प्रेरणा मिली है मिलती रहेगी, यही उस सम्मेलन का उद्देश्य है।